नेक्स्ट वर 2026 टारगेट अप्रोचिंग क्लियरिंग ऑफ 50% लैंडफिल साइट्स इन बिग सिटीज येट टू स्टार्ट. तो टॉप 20 बिगेस्ट लैंडफिल्स इन इंडिया, तो दिल्ली की अगर बात करते तो वेयर वी हैव ओखला डंप साइट, फर्दर भलसवा डंप साइट एंड गाजीपुर डंप साइट. तो वेस्ट रेमेडिएटेड कितना है, एरिया क्लियर्ड कितना है एंड एरिया इन एकर्स, तो नियरली 60 to 70 acres आर हियर. और हाईएस्ट इज इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, दो है यहाँ पर एंड ऑल्सो नियर मुंबई, इन मुंबई जोनाड डंप साइट सबसे ज्यादा एरिया इज कवर्ड बाई दीज. और अभी वेस्ट रेमेडिएटेड हो रहा है इन मेजर मेजोरिटी ऑफ देम, बट टिल नाउ एरिया क्लियर जो है दैट इज नॉट इनिशिएटेड इन मेनी ऑफ देम, वो अभी तक जीरो पे ही है ज्यादातर साइट्स में. तो 3 years तो इन टू द 5 year स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 बिग सिटीज येट टू क्लियर एनी लैंड इन हाफ ऑफ देअर लेगेसी लैंडफिल साइट्स विद ओनली 38% ऑफ द टोटल डम्प्ड वेस्ट बींग रिमीडिएटेड सो फार एंड नाउ जस्ट 2 years आर लेफ्ट फॉर द टारगेट. Also, one important figure like there are total 2,421 landfills in India, and total waste is again 2,200 lakh tons. And out of that, only 912 lakh tons has been remediated. So we can say that the regions with more growth, more expansion would be generating more waste as well. So more waste can also be seen from the perspective of more opportunities, like we are having waste to energy plant. So how we can exploit this waste or we can leverage it when it comes to generating again sustainable sources of power or sustainable sources of energy. So startups can provide us with solutions. Then we waste to energy plants. Then in Delhi, we are constructing engineered landfill sites. Role of, again, local bodies is very important here in terms of collection and segregation of the waste. And then on the part of behavior as a citizen, we also have a responsibility when it comes to segregation of the waste at the household level. And again, it is also associated with the circular economy. Apart from this, again, the main area which again Swachh Bharat Mission also focused was the behavioral change. फर्दर इंडिया एंड श्रीलंका की जब बात करें तो प्लेन स्पीक ऑन द एक ही डे फिनोमिना, तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस रिगार्डिंग द चेंज इन आइडियोलॉजी हियर कि जो एक ही डी है और द अनुरा कुमारा डिसिन्याके ही इज नॉट दैट प्रो इंडिया एज वर द अर्लियर प्रायर प्रेजिडेंट्स ऑफ श्रीलंका. तो द इलेक्शन रिजल्ट इन श्रीलंका मस्ट बी व्यूड बाई इंडिया एज फेथ इन सेल्फ रिन्यूइंग पावर ऑफ द डेमोक्रेटिक वॉइस. तो चैलेंजेस क्या क्या है श्रीलंका के लिए, फाइनेंशियल चैलेंज है एंड फर्दर द एक्चुअल सपोर्ट कंसोलिडेटिंग हिज ओन लेफ्ट इंक्लाइन एंड लेफ्ट सपोर्टिंग सिन्हाला सपोर्ट बट ऑल्सो सीक सपोर्ट फ्रॉम द नॉन लेफ्ट सिन्हाला एंड द तमिल लंका एज वेल फॉर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन. तो थर्ड और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चैलेंज है, टू एक इट इज लेफ्ट वर्ड माइंडस्केप इज द आइडियोलॉजिकल वोल्टेज विच विल बी डायरेक्टेड टू इट फ्रॉम चाइना. तो बीजिंग एज अ रिफ्लेक्सिव लेवरेज है ओवर एनी गवर्नमेंट इन कोलंबो विद इन टचिंग एजेंसी टू इंडिया. तो माझी जी हम बात करते हैं लेफ्ट वर्ड माइंडस्केप की या फिर लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स की भी, तो डज इट रेफर टू मोर ऑफ अ कंजर्वेटिव माइंडसेट एंड राइट. कंजर्वेटिव
it in the sense that we can say it will promote more of like rights of the laborers or the workers. It will be again more centric to the domestic economy. It will talk about import substitution. It will talk about again, it would be more of anti-immigration policy. तो मोर ऑफ एम्पेरिकल अप्रोच इज नीडेड हियर, एम्पेरिकल आउटरीच एंड बट इट्स लिंक विद इंडिया विच हैज इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमेंशंस, दे हैव टू बी व्हाट दे हैव ऑलवेज बीन एंड ऑलवेज बी अम्बिलिकल. नेक्स्ट इज कॉमन प्रैक्टिस स्टैंडर्ड्स मस्ट हैव इंडिया आउटलुक. तो इंटरनेशनल कार्बन फाइनेंस प्लेटफॉर्म्स मस्ट रिवाइज द स्टैंडर्ड्स बेटर लाइन टू द रियलिटीज ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर. तो इंडिया का जो वास्ट पोटेंशियल है इन एग्रो फॉरेस्ट्री सेक्टर इज ए यूनिक अपॉर्चुनिटी टू इंटीग्रेट विद कार्बन फाइनेंस प्रोजेक्ट्स थ्रू अफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन एंड रेविजिटेशन ARR इनिशिएटिव्स. करंटली कितना एरिया अंडर एग्रो फॉरेस्ट्री इट इज 30 मिलियन हेक्टेयर्स और करना कितना है 53 मिलियन हेक्टेयर्स बाय 2050. और टोटल लैंड एरिया जो है इंडिया का इट इज 8.65%. So here it is saying that India-centric approach. So in this particular aspect, we are focusing that if there are even small and incremental changes in the land management practices, so for example, adopting more systematic agroforestry techniques and utilizing the carbon finance to maintain the tree cover, that can be transformative and really impactful. Helping in meeting a carbon neutrality target also of by 2070, and along with this, even the Panchamrit targets can also be somewhere supported through this. So agroforestry from the perspective of sustainability is one positive. It can again talk about strengthening of the agriculture sector when we say that it can reduce the challenge of disguised employment and at the same time enhance the income, or when we have the target of doubling the farmers' income. And it would be more resilient at the same time. It will help in increasing productivity because it will be contributing to soil fertility also. Not just nothing, dark matter quest flows in on dire neutrino fog. The scientists have placed the tightest restrictions yet on identify the particles that make up dark matter. So ऐसी identities the particle couldn't have. It prompted a sense of resignation. तो डार्क मैटर इज द इनविजिबल स्टफ मेकिंग अप मोस्ट ऑफ द मास इन यूनिवर्स रिस्पॉन्सिबल Close फॉर to गिविंग द 95% of dark matter is close to, I think, 90-95% is dark matter in universe. रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द कॉस्मोस इट्स करंट लुक्स. स्टार्स, गैस एंड प्लैनेट्स कंट्रीब्यूट टू ओनली 15% टू द यूनिवर्स मास. So, for example, we are talking about neutrino fog. So, before it, we need to be clear with what are neutrinos. So, as the term states, neutrinos. So, they are neutral in charge. They are not having any electric charge. They are also called as ghost particles, and which are subatomic particles with nearly zero mass. So, neutrino fog, what is it? Refers to the interference caused by neutrinos in the dark matter detection experiments. So, that is neutrino fog.
गोल इज टू मेजर द अननोन मास ऑफ द डार्क पार्टिकल एंड द अननोन रेट एट विच द एटॉमिक न्यूक्लियस स्कैटर डार्क मैटर पार्टिकल्स. तो वेरिएबल कॉल्ड द क्रॉस सेक्शन, उससे रेट मेजर होता है. For this, we have this experiment. Can you scroll up to detect the dark matter? This is the Lux Zeppelin LZ experiment located 1.5 kilometer below the Earth's surface at Sanford Underground Research Facility in South Dakota, US. And another, we have the Xenon NT in Italy when we have Pandax 40 in China. So we can remember that it is related to the detection or knowing about dark matter. तो पोलन है मैमोथ किलर. तो पोलन इज एन इम्पोर्टेंट सब्सटेंस मेनी प्लांट्स यूज टू रिप्रोड्यूस. तो रिप्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव सेल्स होते हैं इन द पोलन. तो नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स दे प्रोड्यूस द पोलन ट्यूब, और जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं दे मल्टीप्लाई टू प्रोड्यूस द न्यूक्लियर ऑफ द स्पर्म सेल. तो दे रिजेंबल अ पाउडर वेन मेनी पोलन पार्टिकल्स आर कलेक्टेड टुगेदर. तो अ नेचुरल पॉलीमर कॉल्ड स्पोरोपोलिनिन सराउंड्स द पोलर सेल्स टू प्रोटेक्ट देम थ्रू देयर जर्नी थ्रू द एयर एंड फ्रॉम इनक्लेमेंट एलिमेंट्स. तो मेनी पीपल आर एलर्जिक टू पोलन. तो ये बर्ड्स और हिकोरी इन एनिमोफिलस प्लांट से आता है ये. एंड एलर्जिक रिएक्शन फ्रॉम ग्रास पोलन इज कॉल्ड हे फीवर. तो इन्होंने सेंस ऑफ स्मेल अफेक्ट करी होगी ऑफ द मैमल्स एंड हेंस लेड टू देयर एक्सटिंक्शन मे हैव. नेक्स्ट, द सन विल डिस्ट्रॉय द अर्थ वन डे, राइट? मे बी नॉट. तो एस्ट्रोनॉमर्स हैव स्पॉटेड अ पोटेंशियल अर्थ साइज रॉकी वर्ल्ड ऑर्बिटिंग अ वाइट ड्वार्फ सजेस्टिंग अ फ्यूचर इन विच अवर प्लैनेट आउटलिव्स इट्स स्टार. सो व्हाइट ड्वार्फ क्या है? व्हाइट ड्वार्फ इज अ स्टेलर कोर विच इज लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर अ डाइंग स्टार. इट हैज एग्जॉस्टेड इट्स न्यूक्लियर फ्यूल एंड एक्सपेल्ड इट्स आउटर लेयर टू फॉर्म अ प्लैनेटरी नेब्यूला. सो आफ्टर व्हाइट ड्वार्फ वी हैव द नेक्स्ट स्टेज एज प्लैनेटरी नेब्यूला. एंड इसमें आई प्रोजेक्ट की बात हो रही है. नासा इज सेट टू लॉन्च द नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप टू अर्लियर देन 2027 एंड इट विल फाइंड मेनी मोर प्लैनेट्स थ्रू माइक्रो लेंसिंग. फर्दर इन अ ग्लोबल गेम ऑफ इन्फ्लुएंस चाइना टर्न्स टू फेक न्यूज. तो चाइना इज यूजिंग वेबसाइट्स परपोर्टिंग टू बी लेजिटिमेट न्यूज आउटलेट्स टू डिलीवर प्रो चाइना कवरेज. So we are seeing clearly effective Russian and Chinese disinformation campaign being run online, still reverberates online, demonstrating China's sprawling effort to reshape global perceptions. But is it really possible that what China is thinking that merely through this disinformation campaign or spreading fake news, the countries they wouldn't be able to understand what is actually happening? And that has been actually identified if we have this article in front of us. Whether this tactic can work or not. This we have already taken up regarding India and China. So why your business matters to India? Respect for doing business. So corporate, environmental, social governance, digital transformation.
कॉर्पोरेट डिजिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो दीज आर द की टर्म्स दैट आर मेंशन्ड हियर. ग्रीन बिल्डिंग्स, सोशल इंक्लूजन, पॉवर्टी एलिवेशन, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशन. सो इंडिया नीड्स जॉब जनरेटिव स्पेशली डिस्पर्स्ड इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल ग्रोथ. सो द ग्लोबल नॉर्थ इज लुकिंग फॉर न्यू ट्रेड बैरियर्स. ह्यूमन राइट्स, एनवायरमेंट एंड कार्बन टैक्सेस विल इंक्रीजिंगली इम्पैक्ट द ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस, मार्केट टैक्सेस एंड बोरोइंग्स. सो वेदर द करंट फंक्शनिंग ऑफ अगेन द कैपिटलिस्ट मॉडल और डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स, वेदर इट लीड टू मोर इंक्रीज इन द इनकम इनइक्वालिटी और whether it will somehow aid in reducing that. Then secondly, we talk about the ESG aspect or the method of functioning of the big entrepreneurs or the big businesses. For example, here it is stated that Mukesh Ambani famously said once, "What is good for India is good for Reliance." So it should actually happen also in real life in this sense only, not the other way around. Because then we talk about the keyword of crony capitalism. And then we are also talking about CSR activities, also as far as sustainable functioning of the businesses is concerned, sustainable development, or when it comes to even reducing the intragenerational equity, inequality. So. These are top 20 India's involved businesses. So you can see Reliance Industries, Hindustan Unilever Limited. This is an FMCG firm. We have Adani, then they have different Adani Green, Adani Wilmar, Adani Ports are there. Lupin is there. Lupin is again related to pharma sector. Britannia, Bank of India is there. So we are seeing that there are diverse, so like Indian Oil is there, Heritage, US Bank. So it is banking, it is FMCG, it is related to petroleum industries. Infrastructure creation also, like we have LTI, Mindtree, NCL is there, KBB. तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा, तो गवर्नमेंट टू मॉडिफाई आईआईपी, मोर डेटा सेट्स एंड न्यू बेस ईयर. तो बेस ईयर अगेन अपडेशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है ताकि वी कैन हैव अ बेटर एनालिसिस ऑफ द इंडेक्स. और डेटा सेट्स अगेन विल हेल्प इन बेटर ट्रैकिंग. Right now it is 11-12, 2011-12, and it might be shifted to 2022-23. And the recently the technical advisory committee has been formed regarding the same thing. So it will be headed by the former member of Monetary Policy Committee, who is Mridul K. Sagar. So it will work on minimizing revisions in the IIP numbers while maintaining integrity of the data. So unbiased data, then again including more of data sets. So that is one method of integrating data better, focusing more upon again digitization. So data from annual survey of industries will be used for new factory output series. For the small nuclear reactors get traction, private players chip in. So India plans to get into the manufacturing value chain of small modular reactors, are yielding some positives with a handful of private players. तो अगेन न्यूक्लियर एनर्जी के लिए भी इम्पोर्टेंट है एंड ऑल्सो टू रिमेन अ कमर्शियली कॉम्पिटिटिव ऑप्शन. तो प्राइवेट प्लेयर का इंटरवेंशन इज क्रूशल फॉर द प्रोडक्टिविटी. स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, सिंपल डेफिनेशन इज दैट दे हैव द जनरेशन कैपेसिटी अप टू 300 मेगावाट्स. देन वी ऑल्सो हैव माइक्रो रिएक्टर ऑल्सो. माइक्रो रिएक्टर्स इज अप टिल 10 मेगावाट्स एंड द लार्ज और द कन्वेंशनल न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैविंग 700+ मेगावाट कैपेसिटी.
लेजर सिस्टम सून टू चेक एक्सेस जीएसटी क्रेडिट. तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स तो इज लाइकली टू इंट्रोड्यूस द मैकेनिज्म जिससे कि वो ट्रैक कर पाएगा रिवर्स चार्ज लाइबिलिटी ऑफ बिजनेसेस अंडर द जीएसटी फ्रेमवर्क टू इम्प्रूव द कंप्लायंस एंड इंश्योर कि जो एक्सेस इनपुट टैक्स क्रेडिट है इज नॉट अवेल्ड बाय देम. तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क एंड सीबीआईसी वर्किंग ऑन द इनपुट टैक्स क्रेडिट. फर्दर पोस्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई स्क्रूटिनी इन द ऑफिन द गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग एन ओवरसाइट मैकेनिज्म फॉर द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स टेकिंग यूज ऑफ सिमिलर सिस्टम्स इन अदर कंट्रीज दैट आर हाई ऑन ग्लोबल इन्वेस्टर्स रडार. तो जो इन्वेस्टमेंट्स है दे हैव मटीरियलाइज इन एडिशन टू द अप्रूवल मैकेनिज्म. तो अभी डिस्कशन स्टेज पे है दिस मॉडल पोस्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई स्क्रूटीन. So when it comes to one aspect is attracting more of FDI. So that is not the end. We are now focusing more upon simultaneously how the FDI investment has been performing. So scrutiny also from the perspective of national security concerns. And when it comes to FDI trends, so last 3 financial years we have seen decline in the FDI inflow. And overall, right now for the current financial year 2024. The previous financial year, it was at $44.4 billion. So India receives maximum investments from Mauritius, Singapore, US, Netherlands. So which are the main areas which are attracting more of FDI? Which states are attracting more of FDI is again one of the trend or the pattern that needs an assessment because we also talk about equitable regional growth here. So ease of doing business needs to be again promoted again at the level of states as well. नेक्स्ट लोकलाइज्ड फोरकास्ट सिस्टम फॉर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बाय 2036. तो IMD इंडिया इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट. तो करेंटली देर आर नो एलिनिया लालिना कंडीशंस एंड बोथ आर ऑन द नेगेटिव साइड. तो हाउ इज क्लाइमेट चेंज इंपैक्टिंग मॉनसून प्रोग्रेस एंड इंटेंसिटी एंड कैसे इज द परफॉर्मेंस ऑफ द मॉनसून असेस्ड. रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है रेंज की एंड व्हाट आर द चैलेंजेस इन द करंट फोरकास्ट सिस्टम. तो हेयर अगेन नॉर्मल रेनफॉल प्रिडिक्ट हुआ था फॉर जून विच टर्न आउट टू बी बिलो नॉर्मल. इन टर्म्स ऑफ रीजनल कवरेज जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स दे गॉट डेफिसिट रेन्स. तो मोर देन 80% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स हैव रिसीव नॉर्मल टू अबव नॉर्मल रेनफॉल दिस मॉनसून. तो यूजली देर आर 13 लो प्रेशर सिस्टम्स वी गेट ड्यूरिंग मॉनसून. दिस टाइम इट हैज बीन मोर. तो चैलेंजेस में क्या क्या है. एट प्रेजेंट दे आर प्रोवाइडिंग वेदर फोरकास्ट एट डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल. तो एज दे गो टूवर्ड्स डिस्ट्रिक्ट टू ब्लॉक आर फोरकास्ट एक्यूरेसी डिक्रीजेस. तो फोरकास्ट सिस्टम एट पंचायत लेवल क्रिएट करना विद ऑगमेंटेड डेटा सेट्स टू
2026 तक, तो दिस इज क्रूशियल हियर. सो वी कैन से हाइपर लोकलाइज्ड फोरकास्टिंग सिस्टम इज इन दी वर्किंग एंड एज वी से दैट फॉर एग्जाम्पल वेन देर अ क्वेश्चन वॉट टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया है सो वी यूज द टर्म मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट सो इन अ वे मॉनसून इज अ लाइफ लाइन फॉर इंडिया बिकॉज इंटायर और वी कैन से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर वेन इट कम्स टू इरीगेशन इज डिपेंडेंट अपॉन द मॉनसून रेन्स सो वी हैव मेजर प्रपोर्शन ऑफ रेन फेड रीजन्स इन इंडिया सो द चेंजिंग पैटर्न नीड्स एन असेसमेंट विच विल बी चेंजिंग अगेन द नेचर और द टाइम पीरियड और द टाइप ऑफ क्रॉप दैट विल बी कल्टिवेटेड सो इट इज रिलेटेड टू फूड सिक्योरिटी ऑल्सो इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू अगेन दी लाइफ लाइन दैट इज द रिवर्स ऑल्सो एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी कैन से दैट वेन इट कम्स टू इवन फॉर एग्जाम्पल वॉटर कंजर्वेशन सो द रीजन्स विच आर सींग फॉर एग्जाम्पल वी सी दैट सेंट्रल इंडिया इज नाउ सींग हैवी frequency of heavy rainfalls instead of the light rainfall. So water even again the urban planning methods that needs to be sync in with this. Because again we face the problem of clogged drains. So everything needs to be in sync in order to actually prevent the challenges in future. फर्दर एनर्जी फर्म्स लुक टू मेक ग्रीन हाइड्रोजन चीपर. तो ग्रीन हाइड्रोजन अगेन क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. तो प्रोडक्शन इज मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली, इसीलिए ग्रीन हाइड्रोजन. फर्दर वी टॉक अबाउट ग्रे हाइड्रोजन एज वेल एंड ब्लू हाइड्रोजन. So we have the target of reducing this price from $4 to $5, that is between ₹334 to 418 per kg to around $1 to $2, which would be between ₹83 to 166 with new technologies, new innovative products. For example, here we are having statements of different market players like artificial intelligence is helping in enhancing overall efficiency. Then we have low temperature electrolysis technology is there. Then again, using different corporate structures to improve sourcing and capital expenditure when it comes to even generating or raising finance. So that is it would be termed as green finance. So attracting more green investment, how that can be done. So, energy control management system to make autonomous real-time decisions to ensure peak efficiency. So, Adani Group will be developing integrated green hydrogen ecosystem. और इसमें ग्रीनियम के बारे में आल्सो वी हैड डिस्कस, ग्रीन प्रीमियम. Right, that is also one aspect. तो गवर्नमेंट इज इन्वेस्टिगेटिंग द बिजनेस प्रैक्टिसेस ऑफ यूएस स्ट्रीमिंग जायंट्स नेटफ्लिक्स इंडियाज ऑपरेशन, इंक्लूडिंग एलिगेशंस ऑफ वीजा वायलेशंस एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. तो इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर मानसी, आई डिडंट गेट दिस, के किस चीज के रिगार्डिंग इज इट, लाइक नेटफ्लिक्स कैसे रिलेटेड है इसमें. Netflix is related depending upon ki what is the nature of content that is available on Netflix. So that is why talking about regulation of OTT platforms. For example, we had recently like there was IC 814 the Kandahar Hijack web series that was released. After the social media outrage and the government anger over what they said was that Muslim hijackers being shown as Hindus. So such types of again. These are the concerns how it can even impact the social harmony. And then there are tax evasion allegations also on the part of Netflix. So India being one of the largest user base for Netflix, it is important
एट द सेम टाइम फॉर द रेगुलेशन इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन और डिजिटल पब्लिशर्स कंटेंट ग्रीवेंसेस काउंसिल, सो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है. व्हाट एल्स कैन बी डन इन ऑर्डर टू इंश्योर इट्स फेयर एंड अनबायस्ड फंक्शनिंग एंड ट्रांसपेरेंट फंक्शनिंग. सो रेगुलेशन ऑफ कॉन्टेंट इवन वेन इट कम्स टू अगेन दी लाइक द इम्पैक्ट और द एक्सेस द चिल्ड्रन वुड बी हैविंग टू दी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स. तो करंटली ओटीटी को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेगुलेट करती है, एंड द मिनिस्ट्री एक ऑफ कंसेप्ट इंफॉर्मेशन है. whether OTTs they would come under again the definition of telecom companies or not. So that is also one of the we can say topic under debate right now. फर्दर अगेन इज रिगार्डिंग द गेमिंग इकोसिस्टम, के गेम ऑफ स्किल, गेम ऑफ चांस, ऐसे हम बात करते हैं. अगेन यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रोल यहाँ तो पे आ इम्पोर्ट जाता है. एंड इवन गेमिंग डिसऑर्डर लिखा है. गेमिंग डिसऑर्डर इज नाउ क्लासिफाइड बाय WHO एज अ मेंटल हेल्थ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय इम्पेयर्ड कंट्रोल ओवर गेमिंग हैबिट्स. सो कीवर्ड है रिस्पॉन्सिबल गेमिंग इकोसिस्टम. व्हेन इट कम्स टू टाइप्स ऑफ गेम्स हाउ कैन वी मैनेज विद द एडिक्शन रिलेटेड टू गेम्स एंड ऑल्सो वेन इट कम्स टू जुडिशियस यूज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी. सो वी आर सींग गेमिंग इंडस्ट्री बूमिंग एज अ पार्ट ऑफ सोर्स ऑफ जनरेटिंग इनकम ऑल्सो जनरेटिंग रेवेन्यू फॉर योर ओन सेल्फ. लाइक दिस इज एसोसिएटेड विद इवन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स. वी आर हैविंग डिफरेंट गेमिंग चैनल्स. सो टैक्सेशन इज अनदर पॉइंट ऑफ डिबेट. देन वी हैव साइबर बुलिंग एंड हैरेसमेंट. दीज आर ऑल्सो अगेन परवेसिव प्रॉब्लम्स ऑन इन ऑनलाइन गेमिंग कम्युनिटीज. देन इंश्योरिंग दैट दीज गेम्स और गेमिंग प्लेटफॉर्म्स आर नॉट यूज टू लॉन्डर मनी और टू फाइनेंस टेररिस्ट एक्टिविटीज. इट इज नॉट लीडिंग टू केसेस ऑफ सुसाइड बिकॉज देर हैव बीन सच गेम्स. आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द नेम्स दैट इट एसोसिएट्स. इट गेट्स सो डीप दैट द player in the game, which is again the real human being, is ultimately like going for suicides as a part of game to win a particular game. So you can imagine the extent of impact that it has specifically on a child's mind. So games should be more associated with again helping in enhancing the skills also. So global response to gaming, like countries UK, Australia, South Korea, they've implemented regulatory frameworks to mitigate the risks. UK Gambling Commission is there that has been instituted. In South Korea, the shutdown law has been implemented with restricted minors from playing the online games during late hours. So even screen time, that is also related to even the strain on eyes that it has. So Ministry of Electronics Information Technology, we have IT Rules 2000. The IT Act 2000, which is there. So it is not only just limited to regulation. Education also plays a role in fostering a culture of responsible gaming, public awareness. The schools can incorporate discussions on responsible digital consumption in their curriculum. तो नेक्स्ट टॉपिक इज रिगार्डिंग द एक्सपोर्ट क्राइसिस. देर आर नो इजी फिक्सेस बिसाइड्स प्रोडक्टिविटी इनहांसिंग रिफॉर्म्स. तो इंडियन शिपर्स मस्ट हैव अ मच लार्जर शेयर. तो इंडिया के जो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स है, दे आर फेसिंग सीरियस स्लम्प विद नो रियल प्रोस्पेक्ट ऑफ अ मीनिंगफुल रिकवरी. तो कंट्रैक्शन इज हैपनिंग इन द एक्सपोर्ट्स और ट्रेड डेफिसिट है ऑफ $30 बिलियन इन द मंथ. तो क्रूड ऑयल प्राइसेस, सॉफ्ट क्रूड ऑयल प्राइसेस, दे कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर द लो एक्सपोर्ट्स और हाई ट्रेड डेफिसिट.
They are one of the factors when it comes to determining the competitiveness of exports, because again, the prices of the crude oil or the movements will be determining the cost of production of a particular good and even any kind of services. So there are two aspects when it comes to boosting the exports. One is boosting again the production level, or when it comes to how we ensure that the demand for the Indian goods and services can be increased. Second aspect is boosting the capacity to export. In that, we talk about the shipping industry, reducing the response time, promoting green shipping, having more of transshipment ports. Like one, the first one is right now, it is being constructed. Like after so many years of independence, still we don't have our own transshipment port. So that is important to reduce the logistics cost. So for this, like one scheme that we have is the RoDTEP scheme, an emission of duties to export, to promote more of exports. So that is one of the ways which government can boost and aid more of exports. So for example, we are struggling with immediate issues like rising freight cost, shipping delays, shortage of containers, and congestion at the ports. The CONCOR, Container Corporation of India, when it comes to manufacturing the containers domestically in India, is important given the demand and the capacity that we actually need. The blue economy is associated with it. And then boosting or providing the opportunity of scale when it comes to even the local producers under the One District One program, when we're talking about buy local and go global. And even recently, our Prime Minister also stated that we need to focus upon the grassroots level, on the SHGs, on again when it comes to the GI tag products. So we need to produce at low cost, but the quality should be of world standard, of international standard. Next is regarding security of Bay of Bengal. Time to secure Bay of Bengal. BIMSTEC shouldn't further delay six summit toward losing relevance at a time of vision of economic integration, which is threatened by instability in the region. So multi-sectoral technical and economic cooperation. तो जितने भी कंट्रीज है एक्सेप्ट फॉर इंडिया एंड भूटान, जितने भी मेंबर स्टेट्स है, दे हैव बीन टॉर्न बाय पॉलिटिकल टर्बुलेंस. तो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस आर इमर्जिंग. क्लाइमेट चेंज की वजह से भी हो रहा है, जिस डिस्टर्बिंग द लाइवलीहुड्स एंड डिस्प्लेसिंग मिलियंस ऑफ पीपल. तो इन रीजंस की वजह से इट बिकम्स इम्पोर्टेंट टू क्रिएट पॉलिसीज हियर. तो इट्स रोड टू इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी हिंजेस ऑन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड रीजनल सिक्योरिटी. तो एक्सपैंड करना है स्कोप ऑफ सिक्योरिटी टू न्यू डोमेन्स, जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट, एनर्जी एंड सेपरेट सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी. फर्दर क्लाइमेट सिक्योरिटी की हम बात करते हैं. एंड ऑल्सो मोर फ्रीक्वेंट मीटिंग्स मस्ट हैपन और फाइनलाइजिंग द अग्रीमेंट्स ओवर टेररिज्म, क्राइम, इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग एट्सेट्रा. तो ये मेजर एरियाज हैं. एंड व्हाट इज द वे अहेड विद रिगार्ड टू बिम्स्टेक? So thank you everyone. That's all for today. We'll continue with the next session with next set of articles.